तो फ्रेंड्स, हमारी मिठाई रेसिपी देखने के लिए देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही कम सामानों में। तो यहाँ पे मैंने पीसेस कर लिया है, आप इसके ऊपर से लगा देते हैं किशमिश, ये आपके चॉइस पे है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लीजिए, मिठाई बनके मेरा देखिए बिल्कुल रेडी है और जितना ही देखने में खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए खाने में भी उतना ही टेस्टी है। जब मैंने घर पे बनाया, मेरे घर के लोग खाए तो बहुत ही पसंद उन लोगों को आया, मतलब। हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आइए रेसिपी चालू करते हैं फटाफट। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ्रेंड्स ये ब्रेड से मिठाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रेड जो है 5 से 6 बड़ा वाला ब्रेड ले लिया है, आप चाहे तो छोटा ब्रेड उसे भी बना सकती हैं। तो हम ले लेंगे मिक्सर जार और उसमें सारे ब्रेड को तोड़कर हम डाल देते हैं, और इसको ये जो ब्राउन वाला है ना साइड वाला, इसे हटाना नहीं है, इसका भी हमें इसमें जो ब्रेड का ये साइड वाला भाग है इसे भी हमें इसी में पीस लेना है। तो इसमें हम डालकर इसे दरदरा जो है पीस लेते हैं, बिल्कुल इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ब्रेड का पाउडर हमने बना लिया है, अब बनाना शुरू करते हैं मिठाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई हमने रख दिया है। अब यहाँ पे ले लिए हैं 1 कटोरी लगभग चीनी लिए हैं, और चीनी को हम डाल देते हैं कढ़ाई में। तो इसका पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, ताकि पानी डाल देने से चीनी जो है हमारा जलेगा नहीं और चाशनी जो है अच्छी तैयार होगी इससे। तो यहाँ पे हमें लगातार चलाना है चीनी को, चीनी मेल्ट हो जाए। तो चीनी देखिए मेल्ट हो गया है फ्रेंड्स, इसे अभी हमें अच्छे से बिल्कुल इसका इसे बिल्कुल पका लेना है अच्छे से बिल्कुल। इसका जो है तार हमें देखिए अभी ये पतला है, इसे और भी गाढ़ा करना है। तो चीनी को हम चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जो है जल जाएगा और जला जला फिर टेस्ट आएगा, तो इसलिए इसे हमें लगातार बिल्कुल चलाते रहना है। तो देखिए चीनी बिल्कुल हमारा गाढ़ा हो गया है बढ़िया से, बिल्कुल ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम जो है यहाँ पे ले लिए हैं दूध, 1 गिलास भर के हमने दूध लिया है। तो दूध को जो है धीरे धीरे डालते हुए हम इसे चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते रहेंगे। ये देखिए इससे जो हमारी मिठाई बनेगी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल दानेदार ये तैयार होने वाला है। तो सारे दूध को डाल देते हैं और इसे हम चलाते रहते हैं। ये देखिए चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। तो चीनी जो है बिल्कुल दानेदार हो गया है, बहुत ही बढ़िया है। और अब इसे हम ऐसे ही चला देते हैं, मिलाते रहेंगे। तो अब यहाँ पे हम ले लिए हैं 1 कटोरी भर के ये हम मिल्क पाउडर लिए हैं, तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसे भी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे मिलाते जाएंगे। एक बार में डालने से क्या होगा कि ये बिल्कुल जम जाएगा गाढ़ा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डालें आप लोग, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं मिलाते जाएं। इससे जो हमारा दूध है बहुत ही बढ़िया गाढ़ा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस इसे हम चला लेंगे।
ये देखिए इसे चलाते हुए, और अब इसमें हम डाल देते हैं, ये लिए हैं नारियल भर के, नारियल का बुरादा है, एक कटोरी नारियल का बुरादा भी इसमें डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हम जो ब्रेड का ये पाउडर बना के रखे हैं इसे हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे भी डाल के चलाते जाएंगे। डालकर इसे मिला देना है। पूरे डाल देते हैं एक साथ में और इसे चला देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। कलर डाल देने से थोड़ा सा इसका कलर और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिला देंगे चारों तरफ कलर को। इसे जब तक चलाएंगे तब तक कि ये कढ़ाई बिल्कुल ये छोड़ ना दे घी। ये देखिए इसे हमें अच्छे से बिल्कुल चला लेना है। देखिए कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में तो टेस्ट अच्छा था ही लेकिन देखने में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखिए ये फ्रेश मलाई लिए हैं, तो फ्रेश मलाई को डाल देते हैं। और इसी के साथ इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। फ्रेश मलाई डालने से बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर जो है तैयार हो जाएगा, ऑयली बिल्कुल, क्योंकि मैंने घी बिल्कुल भी अभी नहीं डाला है। ये देखिए दूध तो मैंने डाला हुआ ही है पहले से, लेकिन थोड़ा सा मलाई भी डाल दिए हैं। और ये देखिए इसमें फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा इसमें ब्रेड का तो जो साइड वाला था मैंने निकाला नहीं था कलर के लिए, लेकिन हल्का सा इसमें कलर डाल देते हैं। आप लोग चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर बिल्कुल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम घी डाल देते हैं, देसी घी थोड़ा सा, इससे टेस्ट जो है मिठाई का हमारे और भी अच्छा बिल्कुल मार्केट वाला बन जाएगा, बहुत ही टेस्टी। यकीन मानिए जब आप बनाएंगे तो यकीन नहीं होगा कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है, या जो भी खाएगा किसी को यकीन नहीं होने वाला है। तो घी मेरा मेल्ट हो जाएगा इसी में, ठंडियों की वजह से घी जो है जम गया है। ये देखिए तो थोड़ा सा घी डाल देने से तो अब ये हो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बन गया है, बिल्कुल देखिए कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। तो गैस को कर लेते हैं आप। तो फ्रेंड्स इसे देखिए कढ़ाई में से निकाल के मैंने प्लेट में जो है निकाल लिया है, प्लेट में निकाल कर इसे हम फैला देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इसे बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर फैला लेना है। और इसे फैला करके आप अपने सेट कर देंगे, इसे फैलाते हुए सेट कर देंगे। और अब इसे हम रख देंगे एक से डेढ़ घंटे के लिए, कम से कम एक या डेढ़ घंटे के लिए तो रखेंगे इसे जमने के लिए, क्योंकि जो है बिल्कुल गरम गरम काटने पर जो है पीसेस करने पर ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे थोड़ी देर हम रख देंगे एक या डेढ़ घंटे, अगर बहुत जल्दी है तो 45 मिनट पर भी निकाल सकती हैं। तो ये लीजिए मैंने रख दिया, अब फैलाते हुए इसे हम इसे रख दिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक से डेढ़ घंटे हो गए हैं और हमारे जो है ये जम के बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे हम पीसेस कर लेते हैं, कट कर लेते हैं पीसेस में। तो इसे अब हम
कटिंग कर देते हैं। जैसा भी चाहे पीसेस कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिया और अब इसे हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने पीसेस कर लिया और इसे निकाल करके इस पे हम जो है किशमिश जो है रख देंगे। आप अपने आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उसे आप रख सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी किशमिश ही करिए, कुछ भी आप इस पे रख सकती हैं या फिर ऐसे भी आप खाइए। बहुत ही टेस्टी बिल्कुल यम्मी यम्मी ये मिठाई बनके रेडी हुआ है और बहुत ही आसान और झटपट बनकर ये मिठाई तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग खा कर देखिएगा, यकीन हो तभी आएगा आप लोगों को। बनाइए खाइए और आप सभी लोग इंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने तोड़ के भी दिखाया है, इतना स्पंजी और बढ़िया बना हुआ फ्रेंड्स। बहुत ही कम सामानों में ये मिठाई बनकर तैयार हुआ है हमारी। फ्रेंड्स आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।